चलिए इसे हमने देख लिया है किस तरीके से जो है अनवेल हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला हमको, ये सब चीजें तो हम जान गए, इसका विस्तार किया था ये भी हम जान गए। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें कि इस सिविलाइजेशन के क्या क्या गुण थे। अब एंशियंट वर्ल्ड की अगर आप बात करो तो प्राचीन समय में नो अदर सिविलाइजेशन हैड शोन एज मच एडवांसमेंट इन द सिविक सेंस एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंशियंट वर्ल्ड की बात करो तो किसी भी सिविलाइजेशन ने जो है इतनी तरक्की नहीं दिखाई है सिविक सेंस में, मतलब कि टाउन प्लानिंग से लेके सारी व्यवस्था में, नागरिक के जीवन की व्यवस्था में, जितने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखती है। द सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स। इस सिविलाइजेशन के जो शहर थे वो बहुत ही बढ़िया से डेवलप किए हुए अर्बन सेंटर्स थे। ओके, द बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन्स एंड बर्न्ट ब्रिक्स। घर वगैरह जो बने हुए थे वो पत्थर और आग में पकाए हुए ईंटों से बने हुए थे। दिस सिविलाइजेशन वॉज नोन फॉर इट्स स्पेक्टैक्युलर सिटी प्लानिंग एंड एफिशियंसी। ये सिविलाइजेशन जो है वो अपने जबरदस्त सिटी प्लानिंग और जो एफिशियंसी थी उसके लिए जानी जाती है। तो क्या क्या थी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि टाउन प्लानिंग को देख लो आप, तो द सिटीज ऑफ इंडस वैली वर वेल प्लान, बहुत बढ़िया से प्लान की हुई सिटीज थी। मेनी सिटीज वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, ज्यादातर कई सिटीज थे वो दो हिस्से में बटे हुए थे, अपर टाउन एंड द लोअर टाउन। यूजुअली द अपर पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर। नॉर्मली पश्चिम की तरफ से जो अपर ऊपर वाला हिस्सा होता था वो छोटा होता था और उसकी हाइट बड़ी होती थी। दिस वॉज द सिटाडेल वेयर सम स्पेशल बिल्डिंग्स वर लोकेटेड। ये जो है सिटाडेल होता था, सिटाडेल वही ऊंचा उठा हुआ थोड़ा किला नुमा जगह, ठीक है ना, फोर्ट जैसा जगह। तो ये जो है सिटाडेल होता था जहां पर कि कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह जो है, यहां पर जो है कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह लोकेटेड होती थी। द पार्ट टू द ईस्ट वॉज बिगर एंड लोअर। तो मतलब कि पश्चिम की तरफ, अगर मान लो ये टाउन अगर है तो पश्चिम की तरफ से जो है ऊंचा हुआ उठा हुआ प्लेटफॉर्म होगा जो कि सिटाडेल हो जाएगा। इसकी हाइट ज्यादा होगी, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह यहां पर लोकेटेड होंगे, स्पेशल बिल्डिंग्स वगैरह यहां पर लोकेटेड होंगे। और फिर जो ईस्ट वाला पूरा एरिया होगा ये जो है आपका लोअर लोअर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है फिर नॉर्मल लोग सब रहते होंगे, ये ज्यादा बड़ा एरिया होता था, इसकी हाइट कम होती थी। तो ये जो लोअर टाउन जो होता था, दिस वॉज द लोअर टाउन विच वॉज लेड आउट इन ए ग्रिड पैटर्न विद हाउसेज स्ट्रेट रोड्स एंड ए प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर जो है मतलब कि ये ग्रिड टाइप के स्ट्रक्चर में ये जो है सेट होता था कि जैसे ये जो लोअर हिस्सा होगा तो इसमें इस तरह से जो है सड़कें होंगी, ठीक है, और बीच में जो है घर बने होंगे और इसके बीच में जो है प्रॉपर सैनिटेशन का सिस्टम भी था, पानी वानी के बहने के लिए नाले वगैरह की व्यवस्था थी। अब जो सिटाडल पर जो स्पेशल बिल्डिंग्स की बात की जाती है तो वो स्पेशल बिल्डिंग्स क्या थी। नाउ अ नंबर ऑफ इंप्रेसिव बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो और हड़प्पा में जो है बहुत सारी इंप्रेसिव बिल्डिंग्स मिली हैं। इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग वॉज ग्रैनरी। मोहनजोदारो में सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी वो ग्रैनरी थी, अनाज का भंडार। द ग्रैनरी वॉज द ग्रैनरीज वर यूज फॉर स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन। ये ग्रैनरीज जो थी वो जो भी एक्स्ट्रा अनाज उपजता था लोगों के खाने की जरूरतों को पूरा करने के बाद, तो वो जो है ग्रैनरी में रखा जाता था। 6 ग्रैनरीज हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा। 6 ग्रैनरीज जो है वो हड़प्पा में पाई गई है। अनदर वेल नोन स्ट्रक्चर एट मोहनजोदारो इज द ग्रेट बाथ। ये भी काफी फेमस या वेल नोन स्ट्रक्चर है, ग्रेट बाथ। इट इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, दिस इज योर ग्रेट बाथ। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है एकदम से, इसमें सीढ़ियां वगैरह बनी हुई है। ये जो है लोग इसके किनारे किनारे जो है कपड़ा बदलने के लिए जो है छोटा छोटा जो है वो कैबिन भी बना हुआ था। और ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के आइकॉनिक सिंबल्स में से एक है। तो लोग जो थे वो यहाँ पर आके मान लो कि स्नान करते होंगे या फिर इसका धार्मिक पर्पसेस से यूज करते होंगे, जैसे कि हम लोग छठ वगैरह का फेस्टिवल होता है तो वहां पर भी तालाब का यूज होता है, उस तरह से। अनदर बिल्डिंग नियर बाय वॉज प्रोबेबली यूज एज टाउन हॉल विच रेसिडेंट्स ऑफ द सिटी वेयर रेसिडेंट्स ऑफ द सिटी गैदर्ड, ठीक है। जैसे कि टाउन हॉल का किधर है लोकेशन भाई, टाउन हॉल किधर बनाए हैं, इधर ही होगा कहीं पर, ठीक है। मुझे सब बिल्डिंग यहाँ पर ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर भी आपको जो है दिख सकता है कि सड़कें बिल्कुल जो है सीधे एंगल पे जा रही है। तो ये जो टाउन हॉल जो है ये जो है
असेंबली हॉल टाइप का स्ट्रक्चर रहा होगा जहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे। इसके अलावा अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स। कालीबंगन और लोथल में जो है वो अग्नि कुंड टाइप का बना हुआ है जहां पर कि शायद सेक्रीफाइसेस वगैरह दिए जाते होंगे, ठीक है, बलि वगैरह दी जाती है होगी। फिर उसके बाद लोअर टाउन की बात करो तो द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और हाउसेस हैव बीन फाउंड इन द लोअर टाउन। ओके, द हाउसेस हियर सजेस्ट यू नो लाइक डिटेल्ड प्लानिंग, आर्किटेक्चरल प्लानिंग। घरों का जो डिजाइन है जिस तरीके से बनाया हुआ है उसको देख के लगता है कि प्रॉपर जो है आर्किटेक्चरली जो है प्लान करके घर बनाए जाते थे। They were either one or two stories high and were built of baked bricks. ये घर जो थे वो या तो एक या फिर दो महल के होते थे और पके हुए ईंट से बने होते थे। Individual houses had one or more rooms. हर एक घर में जो है एक या उससे ज्यादा रूम होते थे। Each house had a bathing area and a place for cooking. हर एक घर में जो है नहाने का एक जगह होता था और साथ साथ जो है खाना बनाने का एक जगह होता था। Most of the houses had a well, a किचन, a सर्कुलर ओवन एंड ए mortar एंड ए pestle फॉर ग्राइंडिंग spices. ज्यादातर घरों में जो है कुआं होता था, रसोई घर या किचन होता था, फिर गोल टाइप का जो है चूल्हा होता था और साथ ही साथ जो है वो mortar और pestle, अरे हमारे यहाँ वो खल मुसल कहते हैं ना, या वो ओखली और समाट, तो वो होता था मसाले वगैरह पीसने के लिए। द हाउसेज हैड ड्रेन पाइप्स विच वर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन। घरों में जो है नाली वाला पाइप बना होता था, लगा होता था, जो कि फिर आगे जाके जो है मेन नाले में जाके मिल जाता था। इस तरह से जो है ड्रेनेज की भी जो है काफी मस्त सही व्यवस्था थी। अब ड्रेन्स एंड ड्रेनेज की चर्चा पर जब आ ही गए हैं तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिटीज वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन एंशियंट टाइम्स। जो हड़प्पन सिटीज का जो ड्रेनेज सिस्टम था, नाली वगैरह की जो व्यवस्था थी, वो प्राचीन समय की सबसे बढ़िया में से एक थी। ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड्स, मतलब कि सड़क के दोनों तरफ से नाले बने रहते थे, जैसा कि हम लोग के यहाँ अभी भी नहीं है ज्यादातर जगहों पे। तो सड़क के दोनों तरफ जो है ये नाले बने होते थे। किचन्स एंड बाथरूम्स हैड ड्रेन्स दैट वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। किचन में और बाथरूम में दोनों में नाला बना होता था जो कि उस गली वाले नाले में जाके मिल जाता था। दे वर कवर्ड विद स्लैब्स ऑफ स्टोन दैट कुड बी रिमूव्ड टू क्लीन देम। अरे देखो क्या जबरदस्त था। और वो नाला सब जो होता था वो पत्थर के जो है बड़े बड़े पट्टों से जो है ढका रहता था, जिसको कि फिर साफ करने के लिए, नाला साफ करने के लिए हटाया जा सकता था। अब चूंकि सिंस द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। अब चूंकि ये नाला ढका रहता था तो इंस्पेक्शन के लिए छेद भी बना होता था सर्टेन दूरी दूरी पर, ताकि जो है उसको साफ किया जा सके समय समय पर। अभी भी होता है ना वो ड्रेन होल होता है ना, देखते हो ना कि जब अंडरग्राउंड जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें जगह जगह जो है गोल गोल छेद टाइप का छोड़ देते सफाई करने के लिए, तो वैसी व्यवस्था वहां पर भी थी। सच अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम टेल्स अस दैट द इंडस वैली पीपल वर पर्टिकुलर एंड केयरफुल अबाउट हेल्थ एंड सैनिटेशन। इससे जो है ये पता चलता है कि इंडस वैली के लोग जो थे वो स्वास्थ्य और साफ सफाई के प्रति काफी जो है सावधान रहते थे, काफी जो है जागरूक रहते थे। चलिए यहाँ पर जो है आपको ड्रेन्स के, ड्रेनेज सिस्टम का जो है इमेज दिया गया है, किस तरह से ये नालियां जो है वो बनी होती थी, इधर से बन के आई, इधर से जो है फिर स्ट्रीट वाला ड्रेन होता होगा, ठीक है, तो वहां पर आके मिली है वो। इसके अलावा जो है आपको हिस्ट्री इन डेप्थ सेक्शन को भी एक बार देख लेना है कि किस किस तरह के अवशेष मिले हैं और इससे जो है वहां से वहां के किन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है हम स्ट्रीट्स और हड़प्पन लाइफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, बाय बाय।